भाई साहब ने बात सही कही कि हम लोग कई बार अपने इतिहास को पढ़ते नहीं है। मैं तो आज आपको आश्वस्त करता हूं कि हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र में हमारे बच्चों को शहीद हेमू कालानी का इतिहास पढ़ाया जाए। और ऐसा कहते हैं कि जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता उनको वर्तमान तो होता है लेकिन उनको भविष्य नहीं होता। और हमारा दुर्दैव ऐसा है, पहले हमारा इतिहास अंग्रेजों ने लिखा और उसके बाद हमारे यहां पर जो नए अंग्रेज, भारतीय अंग्रेज पैदा हुए लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, उन्होंने बचा हुआ इतिहास लिखा। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, मुगलों की पुश्ते तो हमने पढ़ ली लेकिन हमारे जो रियल हीरोज हैं उनके बारे में हम नहीं पढ़ पाए। पर आप परिस्थितियां बदल रही है और कई लोगों को लगता है कि भारत का इतिहास तो ये मुगलों के आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन अब दुनिया भी इस बात को मानती है कि केवल भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी सभ्यता ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। दुनिया में इससे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन कोई नहीं है। जिसको दुनिया की पुरानी सभ्यताएं हम कहते हैं वो 3,000-3,500 साल पुरानी है, लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष हमको मिलते हैं वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन इट्स फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म, आज जैसे नगर है ऐसे नागरी इकाइयों के साथ इन इट्स फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ये कम से कम 8,000-10,000 साल पुरानी है। और ये समाप्त नहीं हो पाई, समाप्त करने के प्रयास बहुत हुए लेकिन ये समाप्त नहीं हो पाई। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को ये ध्यान में लेना होगा कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये दुनिया की सबसे पुरानी है और इसमें कुछ तो खास है कि इसको कोई मिटा नहीं पाया। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी भारत की होगी और उस ओर जब हम अग्रसर होते हैं तो इसका एक ही कारण है कि हमको मिटाने के प्रयास कई हुए, हमको कोई मिटा नहीं पाया। और अब दुनिया भी ये मानती है कि दुनिया के लिए विचार देने की ताकत और शक्ति केवल और केवल भारत में है। मैं आज के इस मौके पर फिर एक बार अमर शहीद हेमू कालानी जी को वंदन करता हूं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों से जब वे प्रधानमंत्री थे हमारे संसद में भी अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश के सपूत को हमें याद रखना ही होगा, 100 साल 200 साल 300 साल जितने साल चले जाए, क्योंकि उनकी शहादत से ही आज हम लोग स्वतंत्रता का अनुभव ले रहे हैं, हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। तो उनको भूल जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं फिर एक बार हमारे सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में यहां मुझे निमंत्रित किया।